आज आपकी सेकेंड क्लास है, ठीक है। कल मैंने नाउन का बेसिक पढ़ाया था, ठीक है। येस्टरडे वी डिड द बेसिक्स ऑफ नाउन। आज हम चलेंगे जहाँ से आपके एग्जाम्स में एरर आने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेशंस अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा। और टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में देखो ऊपर एक लिंक पिन किया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। ये जो नोट्स है ना, ये अपने हाथों से बनाओगे और इसका प्रैक्टिस शीट मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दूँगी, वहाँ से देख लेना। पहले तो मुझे ख़त्म कर लेने दो नाउन, ओके हड़बड़ाना नहीं है। जब बेसिक से स्टार्ट किया है तो पूरा कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सितंबर में ख़त्म कर दो। अगर हम ख़त्म करने वाले मोड में चले जाएंगे ना तो फिर हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होगा। इतना टाइम दे रहे हो, कमेंट बॉक्स में मैं देख रही थी कि इतना ख़त्म कर दो, अब ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं है। इसको तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही ले जाऊँगी। जब बेसिक है तो पूरा बेसिक ही करना है, सब बेसिक से ही करना है। चलो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। पहले तो मुझे बताओ कि कल जो मैंने पढ़ाया था उसका नोट्स बनाया है कि ये सोच रहे हो कि मैम पहले आप पूरा पढ़ा लीजिए ना, लास्ट में नोट्स बनाएंगे, तो ये बहुत बर्डन हो जाएगा आपके लिए। कल जितना पढ़ा है ना, एटलीस्ट उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते समय ना आपका आधा से अधिक रिविजन हो जाएगा, फिर से अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सोनाक्षी मेरा नोट्स बना दो। कुछ बच्चे ना रात में ठीक से सोते नहीं हैं, बस सुबह अजीब अजीब से कमेंट्स करेंगे सब। ओके तो चलो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। कल मैंने नाउन का बेसिक पढ़ाया था। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम नाउन से एरर्स कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। नाउन से एरर्स कहाँ कहाँ से आता है? एक तो नाउन्स एंड नंबर्स से आता है, दूसरा नाउन्स एंड जेंडर से आता है, तीसरा नाउन्स एंड केसेस से आता है। नाउन्स एंड नंबर्स में क्या पढ़ना है हमें? पढ़ना है नाउन्स एंड नंबर्स में पढ़ना है एक वचन बहुवचन, मतलब कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन्स प्लूरल होता है। अब और बॉय और बॉयज़ वाला तो नहीं पढ़ना है क्योंकि हर बच्चे को वो तो पता है। कुछ नाउन्स ना देखने में सिंगुलर लगता है बट वो होता प्लूरल है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगता है बट होता सिंगुलर है, वैसे वाले कलेक्टिव नाउन्स हमें पढ़ने हैं। और नाउन्स एंड जेंडर्स में ना हम मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर पढ़ेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और नाउन्स एंड केसेस में नाउन और कारक पढ़ेंगे, ठीक है। कारक मतलब नाउन्स के क्या क्या केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव, वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नाउन्स एंड नंबर से। एग्जाम में कैसे कैसे नाउन्स एंड नंबर से आपका एरर्स आने वाला है, ठीक है। हाँ, फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस है, दिस वीडियो इज फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, सो डोंट बी इन अ हरी। हरी में नहीं रहना है, एकदम आराम से बैठ जाएगा। स्टेनो के लिए सफिशियंट है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आए हैं ना सब स्टेनो वाले ही है, सब स्टेनो वाले ही है। चलो आज हम नाउन्स एंड नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन क्या आता है? ये हंड्रेड्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, हंड्रेड्स में ई लगेगा, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। जब भी एग्जाम्स में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस वाले एरर्स आते हैं ना मैम, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ डजन के पहले से एस हटाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, ये सब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये थोड़ा सा मैम क्लियर कर दीजिए। तो आज हम बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे कहाँ डजन के साथ। ये जो डजन होता है ना, ये जो डजन मिलियंस है हमारे वाक्य में नाउन का काम भी करता है, और ये जो डजन्स मिलियंस है ये वाक्य में डिटर्मिनर का काम भी करता है। डिटर्मिनर एडजेक्टिव का ही एक फॉर्म है, डिटर्मिनर्स डिटरमाइन करता है। डिटरमिनर्स को हम एडजेक्टिव के अंदर ही पढ़ते हैं। तो याद रखना है कि जब वाक्य में डजन्स, मिलियंस, थाउजेंड्स, ये सब सारे वर्ड्स है ना, थाउजेंड्स, मिलियंस, हंड्रेड, जब वाक्य में नाउन का काम करे तो हम उसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जब ये वाक्य में डिटरमिनर का काम कर रहा है तब उसका प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स है और एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं बनता है। हमारे ग्रामर में तीन ही चीज़ का प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल बनता है, एक नाउन का बनता है, एक प्रोनाउन का बनता है और दूसरा वर्ब का बनता है, एडजेक्टिव्स का नहीं बनता है, एडजेक्टिव का नहीं बनता है। नेक्स्ट वाला देखो भाई, मैंने हाँ इधर उधर के कमेंट्स आएंगे ना तो फिर आप बोलोगे मैम आपने मुझे क्यों ब्लॉक करवा दिया है, मैं बीच बीच में आपके कॉमेंट्स भी देख रही हूँ, अननेसेसरी ब्लॉक हो जाओगे, ओके ब्लॉक हो जाओगे, रिपोर्टेड हो जाओगे, बैन हो जाओगे, देख नहीं पाओगे, फिर से नया आईडी बनाना होगा। तो अननेसेसरी का कमेंट्स मत करिए, ठीक है। चलिए पहला वाला सेंटेंस पे आते हैं। कब इसमें एस लगाया जाता है, कब इसमें से एस हटाया जाता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है ये। देखो अब मुझे बताओ, शी इज 6 years old या सी इज 6 years old, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है, कई जगह आप ये पढ़ लेते हो ना, कई जगह आप ये पढ़ लेते हो, कोई न्यूमरल लगा हो, कोई नंबर लगा रहे, ठीक है, कोई नंबर लगा रहे और नंबर के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया तो उसके बाद ना नंबर के बाद कोई भी, ऐसा मैंने देखा है बहुत जगह पढ़ाते हुए, कोई भी नंबर के बाद कोई भी एडजेक्टिव या नाउन आ गया उसको सिंगुलर रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नंबर के बाद कोई भी एडजेक्टिव या नाउन आ गया उसको सिंगुलर रखना है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको मानना ही नहीं है। चलो अब मुझे बताओ पहला वाला का आंसर क्या होगा। पहला वाला का आंसर शी इज 6 years old। अब आपके दिमाग में आया कि मैम हमने तो पढ़ा है ना कि 6, 7, 8 के बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, तो आप बोलोगे ना, देखो आ भी रहा है, मुझे बहुतों का आंसर आ भी रहा है, देखो अक्षय बोल रहे हैं शी इज 6, क्योंकि 6, 7 के बाद ना जो भी नाउन आता है सिंगुलर होता है। वैसा नहीं है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, जो भी नाउन एडजेक्ट कोई भी वर्ड आएगा सिंगुलर होगा। अब देखो यहाँ पे शी इज 6 years old नहीं होगा, शी इज 6 years old, ठीक है, और यहाँ पे शी इज अ 6 year old girl, यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, यहाँ पे ईयर होगा। अब बताओ क्यों, ऐसा क्यों? ये वाला क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रॉन्ग करते हैं, ऐसा क्यों? जल्दी से बताना है। क्योंकि यहाँ भी 6 है और आपने रट रखा है कि 6 के साथ प्लूरल नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ 6 के साथ प्लूरल लगाया है, बट यहाँ 6 के साथ प्लूरल ना लगा के सिंगुलर लगाया है। क्यों बताओ, बताओ ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे शी इज अ 6 year old girl, ये गर्ल क्या है? गर्ल नाउन है, गर्ल इज अ नाउन, गर्ल इज अ नाउन, और ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है ये एडजेक्टिव है, पूरा ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 6 है ना, ओल्ड तो एडजेक्टिव है, ठीक है, ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन शी इज 6 years old, वो 6 साल की है, तो यहाँ पे जो ईयर्स है ना, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, ठीक है, और ये ओल्ड एडजेक्ट, इसके बाद कोई नाउन रहता ना, जैसे गर्ल, इसके बाद कोई नाउन रहता तो मैं पूरा इसको एडजेक्टिव मानती, बट यहाँ पे ओल्ड एडजेक्टिव है, 6 भी डिटर्मिनर है, ठीक है, 6 भी डिटर्मिनर है, उसके बाद एक नाउन चाहिए, तो नाउन का फॉर्म है तो एस लगाना, अगर एडजेक्टिव है तो नहीं लगाना, एडजेक्टिव है नहीं लगाना, ठीक है। उससे कुछ नहीं है वर्षा, उससे अ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अ से कोई लेना देना नहीं है। शी इज 6 years old, यहाँ भी शी की ही बात हो रही है, एक ही पर्सन है और यहाँ भी एक ही पर्सन है, तो इसको रॉन्ग नहीं करना। दे आर 20 year या 20 years ऑफ एज, चलो बताओ, दे आर 20 year ऑफ एज या 20 years ऑफ एज, ये देखो ये तो ऑफ है, चलो ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो एज आया है ये तो नाउन है, ये तो नाउन है। अब मुझे बताओ कि ये क्या है? 20, यहाँ पे 20 डिटर्मिनर है, ठीक है, 20 यहाँ पे डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की, तो यहाँ जो नाउन है ना, 20 के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल प्लूरल, शी इज 20 years होगा, आंसर सही आ रहा है, शी इज 20 years, तो यहाँ का जो ईयर था ना, यहाँ का ईयर वॉज नाउन, ठीक है, 6 years, अगर ऐसा रहेगा ना, जैसे 6 years, अकेला 6 years है, अकेला 6 years है, तो 6 के बाद, क्योंकि 6 एक प्लूरल वर्ड है, तो 6 के बाद जो भी नाउन आएगा ना वो प्लूरल ही रहेगा, वो प्लूरल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा रहता 6 years old girl, 6 साल की एक लड़की, ठीक है, और 6 years old girl मतलब 6 साल की एक लड़की, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया और ये पूरा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव में एस नहीं लगाना। नेक्स्ट वाला, अब बताओ 6 year या years has या have passed since I met him. मेरे को उससे मिले हुए 6 साल हो गए. बताना. देखो देखो एक चीज ना यहाँ पे ध्यान, ये देखो रुको, मैंने लिखा she is 6 years, she is 6 years of age, 6 साल के एज की है. और मैंने लिखा she is a 6 years old, she is a 6 year old girl. ठीक है. अब आपको लग रहा होगा ना मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एडजेक्टिव है और कहाँ पे नाउन का काम कर रहा. आप थोड़ा सा सेंटेंस देखो, सेंटेंस में क्या ध्यान देना है कि अगर वाक्य में 6-7 के बाद कोई नाउन आए तो उसको प्लूरल लिखना है. लेकिन अगर आपको 6-7 के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वहाँ पे सिंगुलर करना, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता. अब सेंटेंस में ध्यान दो, सेंटेंस में ध्यान दो कि ये जो है ना यहाँ ये नाउन हो गया, ये नाउन है. अब यहाँ 6 years के बाद ना कोई नाउन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ 6 years के बाद एक नाउन आ रहा है. ठीक है. यहाँ जो 6 years है ना इसके बाद एक नाउन आ रहा है. इसका मतलब है कि ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, उसमें ईयर लगा देना. बट यहाँ पे ना इसके बाद तुरंत बाद कोई नाउन वगैरह नहीं आ रहा है. इसका मतलब है नाउन वगैरह नहीं आ रहा है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ नाउन का काम कर रहा है. नाउन का काम कर रहा है तो 6 के बाद प्लूरल लगाना. बट यहाँ 6 के बाद ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मत लगाना. ओके. अब नेक्स्ट वाला बताओ 6 year. यहाँ ईयर किसका काम कर रहा है? देखो इसके बाद कोई नाउन वगैरह नहीं आ रहा है ना. ये देखो यहाँ पे वर्ब लगा है, यहाँ पे वर्ब लगा है. और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से. और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है. इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पे कुछ नाउन प्रोनाउन चाहिए ना, कुछ जो भी नाउन प्रोनाउन यहाँ पे चाहिए, उसी के लिए तो मैं इसका वर्ब लगाऊंगी. ठीक है, उसी लिए तो मैं इसका वर्ब लगाऊंगी. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मुझे नाउन चाहिए और यहाँ पे कोई अलग से नाउन वगैरह नहीं है. इसका मतलब है कि ये ईयर्स को मैंने नाउन माना है. और 6 के बाद 6 एडजेक्टिव है. 6 के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा. 6 years बीत गए हैं, 6 years बीत गए. तो ये सब क्वेश्चंस ना मुझे ज़्यादा सेंटेंस अरेंजमेंट में देखने को मिलता है जहाँ बच्चे रॉन्ग कर देते. इसको नोट कर लीजिए अच्छे से. ओके, 6 year नहीं होगा, 6 years. यहाँ पे 6 एडजेक्टिव है, इसके बगल पे अब सिंपल ही देखो ना, सिंपल देखो. यहाँ ईयर के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा क्योंकि ईयर ही नाउन है तो प्लूरल रखो. लेकिन यहाँ ईयर के बाद तो नाउन आ रहा है, इसका मतलब है ईयर एडजेक्टिव है, उसका प्लूरल मत बनाओ. यहाँ भी ईयर के बाद कोई नाउन वगैरह नहीं आ रहा है, डायरेक्टली ईयर खुद ही नाउन है तो नाउन का प्लूरल बनाओ. 20 के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा. ठीक है. नेक्स्ट वाला, शी बॉट 2 dozens eggs. पहले मुझे बताओ ये करेक्ट है? शी बॉट 2 dozens eggs. आंसर बताते जाना. सेशंस अच्छे लगे लाइक भी कर देना है. She bought 2 dozens eggs. Dozens, millions, hundreds. उसके बाद का वर्ड देखो, ये eggs है. क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि ये जो dozen है ये वाक्य में noun का भी काम करता है. noun का काम करता है ना तो उसका plural बना दो dozens. dozens plural बना दो. बट अगर ये determiner adjective का काम कर रहा है तो उसमें s मत लगाना. अब देखो यहाँ dozen के बाद एक noun आ रहा है, eggs. eggs noun है. कितना eggs? 2 dozen eggs. तो ये 2 dozen पूरा एडजेक्टिव्स हो और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है. नेक्स्ट वाला, शी बॉट डजन ऑफ एग्स. अब यहाँ पे मुझे बताओ, शी बॉट डजन ऑफ एग्स. यहाँ पे क्या यहाँ पे डजन तो गलत था क्योंकि यहाँ का डजन काम कर रहा था एडजेक्टिव का। क्या यहाँ का डजन एडजेक्टिव का काम कर रहा है? एडजेक्ट, क्योंकि ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है एक्स, एक्स भी नाउन। बाद का वर्ड देखो, बाद का वर्ड देखो कि इसके बाद कोई भी नाउन वगैरह नहीं आ रहा है, कोई भी नाउन वगैरह नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये खुद ही नाउन है और नाउन का प्लूरल बनता है। उसने दर्जनों एग्स खरीदे, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। शी बॉट डजन्स ऑफ एग्स, दर्जनों एग्स खरीदे, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। बट यहाँ नाउन का काम कर रहा था तो उसमें एस लगा दो, बट यहाँ तो नाउन का काम नहीं कर रहा, एडजेक्टिव है, इसमें एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अब मुझे इस सेंटेंस का आप करेक्ट आंसर बताना। ये एग्जाम का ही आया हुआ सेंटेंस है। आई बॉट 4 डजन मैंगोज, I bought 4 dozens of mango. I bought 4 dozens mangoes. I want 4 dozens of mangoes. चलो, आंसर बताओ, आंसर बताओ मेरे को। अरे वर्षा गलत आंसर दे रहे हो। आंसर बताना। सी, 4 दर्जनों ऑफ मैंगोज। सबसे पहले ये आंसर है। अच्छा चलो चलो चलो, 1 मिनट पहले तो मुझे बताओ कि ये वाला रॉन्ग है। 4 dozens मैंगोज, मैंगोज क्या है, मैंगोज नाउन है। कितने, 4 डजन, और ये 4 डजन। इसके बाद देखो यहाँ डजन के बाद नाउन आ गया, इसका मतलब है कि ये नाउन नहीं है और इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब यहाँ देखो, शी बॉट 4 dozens ऑफ मैंगो नहीं होगा। ओके बहुत सारे मैंगोज है ना, बहुत सारे मैंगोज में से उसने 4 दर्जन खरीदा, तो ई एस लगना चाहिए था, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, आई वॉन्ट 4 dozens ऑफ मैंगोज और आई बॉट 4 dozen मैंगोज। अब आपके अगर ग्रामेटिकली देखा जाए ना, अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ डजन नाउन का काम कर रहा है और नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। और ये भी सही है क्योंकि मैंगोज नाउन है, मैंगोज नाउन है। कैसा कैसा, 4, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये भी सही है। और आपको लगेगा ग्रामेटिकली ये भी तो सही है। जब ऐसा आ गया ना तो हमें दोनों में से सबसे अप्रोप्रिएट ढूंढना है। सबसे अप्रोप्रिएट कौन है? वो डजन ना, देखो देखो 4, ये जो डजन है ना, ये डजन अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, ये डजन अपने आप में प्लूरल है, तो ये 3 4 के साथ लगाओगे ना तो फिर से प्लूरल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम अ लिखते हैं, अ डजन्स कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, अ डजन्स कभी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अ डजन। और आप बोलोगे कि मैम डजन में तो 12 आते हैं, डजन तो प्लूरल है, तो आपको एस लगाना चाहिए था ना। एक तो अ के बाद सिंगुलर आता है और डजन अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डजन वर्ड जब भी 3 4 वर्ड के साथ आ गया ना, ठीक है, तो 3 4 यहाँ पर ऑलरेडी प्लूरल बता रहा है, तो फिर से इसमें प्लूरल नहीं लगाना। आंसर इज डी, डी डी डी, आंसर इज डी। ये एग्जाम्स का ही आया। नेक्स्ट, 2000 पीपल, ये सब ना, ये सेंटेंस का कोई थ्योरी नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। ये जो मैं एक का कमेंट देख रही हूँ, मैम पहले ना इसका थ्योरी पढ़ा दीजिए, ये सेंटेंस का कोई थ्योरी नहीं होता, इसको हम एग्जाम्स में मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझते हैं, इसका कोई थ्योरी नहीं है। अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना आशु। चलिए बताइए नेक्स्ट। Two thousands people were present. Two thousand people were present. यहां पे देखो पीपल क्या है, पीपल नाउन है, कितने पीपल, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में इसको क्वेश्चन है, डिटेल में करो, कितने पीपल 2000, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स में एस मत लगाना बट यहाँ लगा सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, तो यहाँ थाउजेंड्स एज अ नाउन यूज हो सकता है, एज अ नाउन यूज हो रहा है, एज अ नाउन यूज हो रहा है, प्लूरल लग रहा है, एज अ नाउन तो एस लगा सकते हो ना बट एज एन एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, एज एन एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। उसी तरह 100 रुपीज नोट वॉज या वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, बताना 100 रुपीज नोट वॉज या वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, नाइन्थ वाला करेक्ट है क्योंकि 2000 वाला में तो 1000 एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में एस नहीं लगाओगे बट नाउन है तो लगा दो। 100 रुपीज नोट वॉज लाइंग, 100 रुपये की एक नोट, देखो यहाँ यहाँ इसके बाद एक नाउन आया है, जब ये नाउन आ गया है ना इसका मतलब है ये नाउन नहीं है, इसका प्लूरल नहीं करोगे, कैसा नोट, 100 रुपये का एक नोट, तो ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में प्लूरल मत लगाना, और हमें जो वर्ब लगाना है ना, हमें जो वर्ब लगाना है किसको देख के लगाना है, अपने नाउन को देख के लगाना, सब्जेक्ट को, 100 रुपये को नहीं देखा, 100 रुपये का एक नोट देखा, बॉस 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 was yes, हाँ देखो इसका मैंने बहुत पहले, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो ये क्लियर हो गया है, ये आगे से ऐसी गलती नहीं करना ठीक है। 1000 बस याद रखना है, क्वेश्चन देख के आपको पता कर लेना है कहाँ का 1000 कहाँ का मिलियन, नाउन का काम कर रहा है ना, नाउन का काम कर रहा है तो उसमें एस लगा देना, अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एस नहीं लगाना, वो तो सेंटेंस देख के पहचानना होगा ना, सेंटेंस देख के पहचानना होगा। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं ठीक है। हाँ क्योंकि बार बार मैं बोलती हूँ इजी इजी चीज़ें नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें में दिमाग लगाना पड़ता है वही एग्जाम में आता है। तो एक तो चलो मैंने बता दिया, अब आ जाओ नाउन्स एंड नंबर्स में सेकेंड पॉइंट पे। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं ना जो कि हमेशा सिंगुलर होता है। ओके आपको याद रखना है, मैंने मेन मेन वाला वर्ड्स रखा है, जो ऐसे तो छापने का मैं यहाँ से यहाँ तक लिख दूँ लेकिन मेन मेन एग्जाम्स में आता है। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना जो सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। जैसे कि एग्ज़ाम का फेवरेट वर्ड है लगेज। लगेज, हम लगेज को नहीं गिन सकते हैं। लगेज के अंदर जो बैग्स होते हैं ना, जैसे बैग है, सूटकेस है, इसको गिन सकते हो। सूटकेस का प्लूरल सूटकेसेस बन सकता है, बैग का प्लूरल बैग्स बन सकता है ठीक है, लेकिन लगेज का प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि लगेज अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। उसी तरह से फर्नीचर लिखा, फर्नीचर में टेबल चेयर ये सब आता है तो टेबल चेयर का प्लूरल बन सकता है। टेबल का प्लूरल टेबल्स, चेयर का प्लूरल चेयर्स, इसका प्लूरल बन सकता है बट फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता है। उसी तरह सीनरी का भी नहीं बनता है, एविडेंस मतलब सबूत, इसका नहीं बनता है। इन्फॉर्मेशन का भी नहीं बनता है प्लूरल, और मैं आगे आपको एग्जांपल्स में बताऊंगी कि अगर प्लूरल बनाना है ना तो क्या करना होगा। ओके, एविडेंस 2 बार आ गया। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का भी प्लूरल नहीं बनता। न्यूज़, इस न्यूज़ का एस देख के इसको प्लूरल मत समझना, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है। पोइट्री, पोएम का प्लूरल पोएम्स बनता है ठीक है, पोएम का प्लूरल पोएम्स बनता है बट बहुत सारे पोएम्स के कलेक्शन को हम पोइट्री बोलते हैं तो पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं बनता है ठीक है, नहीं बनता है। दूसरा वाला पॉटरी, पॉटरी किसको बोलते हैं? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको पॉटरी बोलते हैं। आप इसमें क्रॉकरी भी लिख सकते हो, शीशे के बर्तन को क्रॉकरी बोलते हैं, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। इनिंग में भी इनिंग वर्ड बगैर एस का होता ही नहीं है, उसमें एस लगना ज़रूरी है। नॉलेज, ब्रेड, ब्रेड का भी प्लूरल ब्रेड्स नहीं बनता है। अगर ब्रेड को प्लूरल बनाना ही है ना तो हम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लगा देंगे बट ब्रेड में एस मत डाला। मशीन, हेयर, ये सब का प्लूरल नहीं बनता है, ये सिंगुलर रहता है इसीलिए ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा ठीक है, ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इसको फटाफट कॉपी करिए, अब ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले आप इसको लिख लो, लिखिए फटाफट। इसका प्लूरल नहीं होता है। लिख लिया है, सब नहीं रट लेना है। देखो होता क्या है ना, छापने का मैं पूरा ऊपर से नीचे बुक छाप दूँ, बुक वाला उठा के, लेकिन आप ना वही याद रखो जो आपके एग्जाम्स में आता है और कैसे कैसे एरर आता है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है, अगर एक इनिंग भी है तो एस लगेगा, दो भी है तो एस लगेगा। इंग्लिश इज ऑल्सो अ नाउन, अभी अभी मैं बताती हूँ। चलो नेक्स्ट वाला, अब तो असली कहानी एग्जाम्पल में होगा। ही गेव मी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले मुझे बताओ कि पहला वाला क्वेश्चन इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है बताना, कौन सा करेक्ट है। हाँ, पोएट, तो जो पोएम लिखते हैं उसको पोएट बोलते हैं। हाँ बताओ कौन सा करेक्ट है। दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। एक तो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, इन्फॉर्मेशन का प्लूरल इन्फॉर्मेशंस नहीं बनता है। जैसे एडवाइसेस होता भी है ना, नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो ही गेव मी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन। अब मुझे बोलोगे कि मैम ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, तो चलो इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगता और आपने एस हटा भी दिया है, तो ये तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि जनरली हम एन और अ लगाते हैं, जनरली एन और अ लगाते हैं काउंटेबल चीज़ों के लिए, अ और एन लगाते हैं, बट इन्फॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है, तभी तो आपने एस हटाया है ना, यहाँ से एस हटाया है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो क्या करोगे, इसको काउंटेबल बनाने के लिए क्या करोगे, बोथ आर रॉन्ग। यस, इन्फॉर्मेशन वैसे तो अनकाउंटेबल होता है, बट इसको काउंटेबल बनाने के लिए ना आप क्या करो, इसको कैसे इम्प्रूव करोगे। ही गेव मी एन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इसको काट के कर लो। ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपने अ पीस लगाकर इसको काउंटेबल बना दिया, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, ही गेव मी टू पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशंस। अब आपको लगेगा अरे मैम टू पीसेज लगाया, लगा के मैंने प्लूरल बनाया, तो इन्फॉर्मेशन में भी तो एस लगना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सिंगुलर हो, ठीक है, फिर भी एस नहीं लगेगा। अगर इन्फॉर्मेशन को प्लूरल बना रहे हो तो टू पीसेज लगाकर, यहाँ तो अ पीस लगाकर भी सिंगुलर था, लेकिन टू पीस लगाकर आपने प्लूरल बनाया, बट इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा, हाँ। और ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, जैसे एविडेंस, का प्लूरल भी एविडेंसेस नहीं होता है, अब मुझे बताओ कि इसमें क्या लगाओगे, ऑल द एविडेंस वॉज होगा या वर, पीसेस भी लगा सकते हो। ही गेव मी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो भी सही है, टू पीसेस भी लगा दिया। हाँ बताना, ऑल द एविडेंस, अनकाउंटेबल है ना। हाँ, ये जो ऑल है ना, ये अपने साथ सिंगुलर भी लेता है, अपने साथ प्लूरल भी लेता है। अगर ऑल के साथ कोई काउंटेबल नाउन आ गया, ये देखो ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को तो गिन सकते हैं, ऑल के साथ अगर काउंटेबल आ गया ना तो आर लगाना, लेकिन एविडेंस तो अनकाउंटेबल है, तो हम सिंगुलर लगाएंगे, वॉज। आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर्स, क्या ये सही है? आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर, ऑल सिंगुलर भी लेता है, ऑल प्लूरल भी लेता है। देख लेना बाद में कैसा नाउन आ रहा है, काउंटेबल नाउन आ गया तो प्लूरल लगाना, अगर अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर लगाना। हाँ आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर्स मत लगाना, सम भी लगा सकते हो, या आपको काउंटेबल बनाना है सम पीसेज ऑफ फर्नीचर भी लगाओगे, बट फर्नीचर में एस मत लगाना। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, ईच फर्नीचर वॉज डैमेज्ड। अब ये करेक्ट है या गलत है, आप मुझे बताओ, ये भी आपके एग्जाम में ही आया हुआ है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताओगे। टू पीसेस भी लगा सकते हो, यस, सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर, सम पीसेस ऑफ फर्नीचर, ये भी लगा सकते हो। ईच ऑफ द लगेगा। अच्छा, नो एरर है ना, ना एरर है, एरर है इसमें, एरर है, नो एरर नहीं है, दिमाग लगाओ। कुछ के तो दिमाग में आएगा ना कि मैम ईच तो सिंगुलर होता है, ईच सिंगुलर होता है तो वर्ब भी तो सिंगुलर लगाया और नो एरर करके आ जाएंगे, बट एरर है इसमें, बताओ क्या एरर है। नहीं नहीं रॉन्ग है, रॉन्ग है, हाँ तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है नहीं बोलना है, करेक्ट वाला बताता है, बना बताना भी है। ईच का हिंदी होता है प्रत्येक, और ये ईच क्या है, ईच काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है बताना। ये आपके एग्जाम के सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया हुआ, सारा सेंटेंस एग्जाम से ही उठा है। ईच काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, इतना पीटूंगी ना जो फर्नीचर्स फर्नीचर्स कर रहे हैं, फर्नीचर्स फर्नीचर्स वाले को ना ब्लॉक कर दूंगी। अभी बार बार बता रही हूँ कि फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, उसका फर्नीचर होता है, बट फर्नीचर के अंदर जो सूटकेस बैग आता है उसका प्लूरल बनता है। काउंटेबल है, हाँ ईच इज काउंटेबल, ईच तो हमारा काउंटेबल होता है, ईच इज यूज फॉर काउंटेबल, और फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है, तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए कुछ तो करना होगा, तो यहाँ पे ना ईच पीस ऑफ फर्नीचर लगाना होगा, काउंटेबल बनाने के लिए पीस लगाना है, पीस पीस, ईच पीस ऑफ फर्नीचर। आपके एग्जाम में एक ऐसा सेंटेंस आया, ऐसा था, दोनों में से आपको चुनना था, इम्प्रूवमेंट में आया था। एक था ईच पीस ऑफ फर्नीचर वॉज डैमेज्ड, एक ऑप्शन में ये था, और एक ऑप्शन में था ईच फर्नीचर वॉज डैमेज्ड, और भी ऑप्शंस थे, इनवैलिड थे। अब दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, वैसे ईच तो सिंगुलर होता है, ठीक है, ईच तो सिंगुलर है, दोनों जगह मैंने सिंगुलर लगाया भी है, बट ये गलत है क्योंकि ईच तो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, बट फर्नीचर, ईच तो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल है, तो फर्नीचर को काउंटेबल बनाने के लिए ना पीस लगा दो, पीसेस मत लगाना, क्योंकि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, आगे जाके वर्ब भी सिंगुलर। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, पोइट्रीज और पोइट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ आर वेरी इंटरेस्टिंग। चलो बताओ, जल्दी 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 बताना है। एवरी ग्रुप के लिए होता है तो हम एवरी क्यों करेंगे, वहां पे ईच सही है। लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टूडेंट्स विल शेयर द वीडियो among the students who are preparing for any competitive exams। पोइट्रीज कोई वर्ड होता ही नहीं, ठीक है। पोएम का प्लूरल, पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है, और बहुत सारे पोएम्स के कलेक्शन को हम पोइट्री बोलते हैं। पोइट्री का प्लूरल पोइट्रीज नहीं होता, एग्जाम का फेवरेट है पोइट्री हो। और भी कहीं एरर दिख रहा है, पोइट्री, पोइट्री सिंगुलर भी तो होता है। ये ना एवरग्रीन, ठीक है, सदाबहार क्वेश्चन है। सीन का प्लूरल, सीन का प्लूरल सीन्स होता है, बट बहुत सारे सीन्स मिलके सीनरी ही बनाते हैं, तो सीन का प्लूरल तो सीन्स होता है, बट सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता, ये मिल जाता है। सीनरी, देयर इज नो सच वर्ड लाइक सीनरी, और सीनरी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। बताओ, सम ऑफ द लगेजेस वर लाइंग एट द स्टेशन। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो और आके कूली पूछते हैं कि कितना लगेज है आपके पास, आप शुरू हो जाते हो एक लगेज, दो लगेज, तीन लगेज, वो रॉन्ग है। लगेज अनकाउंटेबल है, ठीक है। लगेज को काउंटेबल बनाने के लिए पीसेज ऑफ लगेज, आइटम्स ऑफ लगेज लगा दोगे, बट लगेज में एस कभी मत लगाना, तो सम ऑफ द लगेजेस नहीं होगा, सम ऑफ द लगेज, लगेज, लगेज में एस मत लगाना। अब बताओ कि वॉज होगा या वॉर होगा, वॉज होगा या वॉर। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जैसे मैंने ऑल वाला बताया ना, ऑल के बाद काउंटेबल भी आ सकता है। अगर ऑल के बाद काउंटेबल आता है ना तो वो प्लूरल होगा, लेकिन लगेज तो उसी तरह सम के बाद सम ऑफ द बॉयज़ आर होगा, बट यहाँ तो सम के बाद लगेज अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। यस, अब आ जाओ ये हेयर, हम हेयर को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। हेयर इज़ अनकाउंटेबल, हेयर इज़ अनकाउंटेबल जो, लेकिन जो हेयर टूट के गिरते हैं उसको तो गिन सकते हो। हमारे गर्ल्स अगर क्लास में हैं तो आप जाते होगे पार्लर में, जाके हेयर आपको अपना हेयर का स्ट्रीक्स, अगर आपको बाल का कलर करवाना होता है तो कुछ तो पूरा कलर करवाते हैं और कुछ तो स्ट्रीक्स में करवाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना पार्लर वाले के एक स्ट्रिक का 250 रुपया है, तो अलग अलग स्ट्रिक्स में करते हैं, तो वो तो काउंट कर सकते हो ना। जो हेयर स्ट्रैंड्स टूट के गिरता है वो तो काउंट कर सकते हो। तो हेयर इज़ अनकाउंटेबल, हेयर इज़ अनकाउंटेबल। बट अगर हेयर को काउंटेबल बनाना है ना तो आप ऐसा लिख सकते हो, ट्रू स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब है हेयर का अलग अलग जो टूट के गिरता है, कलर करवाते हो। तो हेयर को काउंटेबल बनाने के लिए ना, जैसे 2 strands ऑफ हेयर, या बहुत सारे स्ट्रैंड्स है, स्ट्रैंड्स का मतलब है वो एक एक हेयर, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। लेकिन आपने स्ट्रैंड्स लगाकर प्लूरल बना दिया, गलती से भी हेयर में एस मत लगाना, हेयर में एस मत लगाना, नहीं लगाना। लड़कियों को पता होगा पार्लर जाते हैं वो, हाँ अलग अलग, मैं मुझे लग रहा है ना, मैंने तो वैसे करवाया नहीं है, लेकिन हो सकता है गर्ल्स सही बताएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो, 500 रुपीज़ का भी एक स्ट्रैंड हो, लंबे बाल, बाल के साइज़ पे डिपेंड करता है, वो 10-10 हज़ार लग जाते हैं, 10-10 हज़ार का करवा के आते हैं। भाई उनका अधिकार है, गर्ल्स का मेकअप करना, स्टाइलिश होना, ये उनका फंडामेंटल राइट है। एक माँ बनाती है अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग, कभी कभी बेटी खुद स्ट्रॉन्ग बन जाती है, कभी कभी बेटियाँ भी माँ को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। एक्सपेंसिव है और ज़्यादा है ना, 15,000 का तो एक नहीं है। तो कितना खुशी आ रही है ना, भर भर के सब अपना कमेंट्स दे रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कितना इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। थोड़ा सा टॉपिक से इधर उधर बात कर लो ना, एकदम स्माइल, लव इन द एयर, स्माइल्स, और एकदम कमेंट्स भर भर के आएंगे, इमोटिकॉन्स। ₹250 लगता है, अच्छा हाफ हेयर का 250 से 500 रुपीज़ लगता है। चलो स्टार्ट किया जाए। तो हेयर इज़ अनकाउंटेबल, तो ऑल हिज हेयर्स मत करना, ऑल हिज हेयर, हेयर करना, हेयर अनकाउंटेबल है, ठीक है। और इसको काउंटेबल बनाने के लिए इसको स्ट्रैंड्स लगाते, स्ट्रैंड्स, ये एक हो गया। हाँ, अब बताओ, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 1 इनिंग्स और इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 2 इनिंग्स, यहाँ पे दोनों करेक्ट है। कुछ को लगेगा ना, अरे 1 के बाद तो सिंगुलर आता है, जैसे हम 1 के साथ तो बॉय लगाते हैं और 2 के साथ बॉयज़ लगाते हैं, ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल, 2 के साथ बॉयज़ लगाते हैं। बट इनिंग एक ऐसा वर्ड है ना, ये बगैर एस का होता ही नहीं है, इसमें एस जरूरी है। 1 भी है तो इनिंग्स ही करोगे, अगर 2 भी है ना, ये मत सोचना कि 2 के साथ एस लगाओ 1 के साथ हटा दो, दोनों के साथ एस लगेगा, सही है, लगेगा, लगेगा। बॉयज़ का 250 रुपीज़ में पूरा कलर हो जाता है, वही वाला कर देते होंगे जो 3 दिन बाद गायब हो जाता है। जो गर्ल्स ट्रिक्स करवाते हैं ना, उनका 3-4 मंथ्स हो जाता है, काम चल जाता है। दीज डेज न्यूज़, न्यूज़ का एस देख के ना इसको प्लूरल मत समझना, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो इस लगा, न्यूज़ वाला के साथ आर लगा दें। हमने सिंगुलर वाला कर लिया, अब हम चलते हैं प्लूरल। अभी तक हमने क्या किया, कुछ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होता है, अब हम चलेंगे कुछ नाउन्स जो कि हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। सब कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होता है, जिसमें से जिसमें से ना सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें ना एक दो और लिख लो। टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज़, न्यूज़ के सेंस में जाता है। देख रहे हो यहाँ देखो न्यूज़ सिंगुलर होता है, न्यूज़ तो सिंगुलर होता है, बट ये टाइडिंग्स है ना, इसका मतलब भी न्यूज़ ही होता है, बट ये प्लूरल होता है। जिसमें से ना आप इसमें से एक और वर्ड लिख लो, इसमें से लिख लो कैवेलरी, सबका मतलब बताती। कैवेलरी भी लिखो, इन्फेंट्री भी लिखो और क्लर्जी भी लिखो। पहले आप लिख लो इसको, ये सारे नाउन्स प्लूरल होते हैं, सेविंग्स में एस डाल देना, प्लूरल होते हैं। एंड भी है तो इनिंग्स ही होगा, महाकाल। इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय एन इनिंग्स, क्योंकि इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, एक भी है तो एस, दो भी है तो एस, एन इनिंग्स। न्यूज़ में नॉर्थ पहले क्यों आता है, इसके बारे में ना हम जूम मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग करेंगे। जेंट्री भी लिख लो, हाँ जेंट्री नहीं डाला है, जेंट्री भी लिख लो, तीन चार और ऐड कर लीजिए। मेन मेन जो आता है ये प्लूरल होता है। 45 मिनट्स हो गए हैं ना। नहीं नहीं, ऑर्डर्स का अलग से करेंगे, वो तो आप ऐसे ही बना रहे हो प्लूरल। सेशंस को लाइक भी कर देना है। हर चीज का नहीं बनाने लगोगे ना। अच्छा चलो, ट्राउजर्स तो पता ही है। एक चीज़ समझ जाओ ना कि एक ट्राउज़र है तो ट्राउज़र मत लगाना। सो ट्राउज़र जो पैंट्स आप लोग पहनते हो तो मत सोचना एक है तो ट्राउज़र और एक से ज़्यादा है तो ट्राउज़र। ये वर्ड ना बगैर एस का कोई वर्ड होता ही नहीं है, एस के साथ ही बना है। सीज़र, सीज़र में भी एक कैंची है तो ये मत सोचना कि सीज़र लगा दो और बहुत सारा है तो एस लगा दो। सीज़र कोई वर्ड नहीं होता, एस से बना है। बाइनोक्यूलर इज दूरबीन, ये भी एस के साथ बना है। टाइडिंग्स का मतलब भी होता है न्यूज़, ठीक है। और ये देखो जेंट्री, जेंट्री का आप प्लूरल बना के दे देते हैं क्योंकि ऐसा जेंट्रीज लगा देंगे, ये गलत है। क्योंकि ये जेंट्री जो है ना, जेंट्री मतलब जेंटलमैन लोगों का ग्रुप, सभी लोगों का समूह, सभी लोगों का जो समूह है उसको हम जेंट्री बोलते हैं। तो जेंट्री अपने आप में प्लूरल है, ये जेंट्री अपने आप में प्लूरल में, इसको ऐसा लगा के प्लूरल मत करना। शैम्बल्स, देर इज़ नो सच वर्ड लाइक शैम्बल, शैम्बल नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये वर्ड एस के साथ बना है। शैम्बल्स का मतलब होता है दुविध, मतलब कन्फ्यूजन है, अस्त व्यस्त। स्पेक्टिकल्स इस चश्मा, एस के साथ बना है, ये एग्जाम का फेवरेट है, एग्जाम का फेवरेट है। आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, दान, चैरिटी, ये फेवरेट है और ये प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल। वर्मिन इज ए टाइप ऑफ इंसेक्ट, वर्मिन एक कीड़े का नाम है, ये आपके CHSL में आया हुआ है। वर्मिन एक कीड़ा का नाम है और ये कीड़ा इकट्ठे एक साथ रहता है। तो इस कीड़े को हमने, आप बोलोगे मैम एक ही कीड़ा का नाम है तो सिंगुलर होना चाहिए था ना, बट ये इकट्ठे झुंड में रहता है। टोंग्स चिमटा को बोलते हैं, ठीक है। पोल्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म होता है, जानते ही हो, मुर्गी फॉर्म एंड ऑल। कैटल इज मवेशी, कभी कभी ना कैटल में एस लगा देते हैं, बट कैटल अपने आप में प्लूरल है, एस नहीं लगाना है, एस नहीं लगाना है, ओके। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स हम पटाखे को बोलते हैं, वो भी प्लूरल होता है, फायरवर्क नहीं होता है, फायरवर्क्स और प्लूरल होता है। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, ओके, रेसिड्यू, अवशेष को बोलते हैं, बचा हुआ भाग। सेविंग्स आपकी बचत, गुड सामान, गॉगल, शॉर्ट्स, पार्ट्स नहीं है, ये पैंट्स है, ये सब प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल है। अब ये बोलोगे मैम क्लर्जी किसको बोलते हैं, जो चर्च में पादरी होते हैं ना, जो सारे उनका जो समूह होता है, ओके, पादरी पुजारी जो होते हैं, क्लर्जी वो प्लूरल है। वो जो युद्ध में घोड़े पे लड़ते हैं वो कैवेलरी है, और जो पैदल रहते हैं और युद्ध में लड़ने जाते हैं, पैदल वाला सेना जो है, और ये घोड़े वाला सेना है, और सारे प्लूरल, सारे प्लूरल। लिख लो इसको। नहीं नहीं, शर्ट का नहीं होगा, शर्ट सिंगुलर होता है, शर्ट और उसका प्लूरल शर्ट्स। प्लाजो भी आ गए, लिख लिया। नेक्स्ट वाला, चलो स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब है चश्मा, स्पेक्टिकल्स इज होगा या आर होगा, बताओ। जैसे जैसे लगेज, और लगेज तो सिंगुलर था, लगेज को प्लूरल करने के लिए ना उसमें एस नहीं लगाएंगे, उसको पीसेस ऑफ लगेज लगा के करेंगे। और अब मुझे बताओ, हाँ स्पेक्टिकल्स अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल है। तो आप बोलोगे मैम जैसे आपने पिछले वाला बताया था कि सब सिंगुलर है, उसका प्लूरल आपने पीसेस लगा के बनाया था, ठीक है, तो ये तो प्लूरल है तो इसका भी तो सिंगुलर बनता होगा। चश्मा तो प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए ना हम इसमें अ पेयर लगा देंगे, ये होता प्लूरल है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स अकेला स्पेक्टिकल्स रहे, अकेला सीजर्स रहे, तो ये सब में आर लगाना, ये सब क्योंकि ये सब प्लूरल होता है, चश्मा दूरबीन ये सब प्लूरल है, और इसको सिंगुलर करने के लिए इसमें अ पेयर लगा देना। अ पेयर लगा दिया तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर। अगर मैं ऐसा लिखूं एक पेयर है तो सिंगुलर और बहुत सारे पेयर्स है, पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, तब आर लगाना, क्योंकि आपने पेयर्स लगाकर प्लूरल किया इसको, और वो भी प्लूरल किया, और अ पेयर सिंगुलर था। अब मुझे बताओ, आई वॉन्ट अनदर स्पेक्टिकल्स, थर्ड वाला रॉन्ग कैसे है? मतलब थर्ड वाला राइट है कि रॉन्ग है, मुझे बताओ। थर्ड वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है? और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी करते जाना है। ये देखो, स्पेक्टिकल्स अनकाउंटेबल है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स अनकाउंटेबल है। और ये जो अनदर है ना, अनदर काउंटेबल के लिए होता है। हम स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स अनकाउंटेबल होता है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए पेयर लगाते हैं, ठीक है, तो ये काउंटेबल है। और स्पेक्टिकल्स तो अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो हमें इसे काउंटेबल बनाना है। काउंटेबल बनाने के लिए लगा दो आई वॉन्ट अनदर स्पेक्टिकल्स, नहीं होगा। काउंटेबल बनाने के लिए आई वॉन्ट अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अनदर पेयर ऑफ, पेयर ऑफ, यस, पेयर लगा देना, ठीक है। अनदर सिंगुलर होता है। आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है दान, भिक्षा, और ये जो आर्म्स है ना, भिक्षा, दान, ये प्लूरल होता है, तो इसलिए वर लगाना। ये वर्मिन एक इंसेक्ट का नाम है जो झुंड में रहता है और प्लूरल होता है, डू लगाना, डू, डू। Where is or are my trousers? A pair of trousers singular होता है, बट अकेला trousers अकेला trousers plural है, plural है। Where are my trousers? Are my trousers, ठीक है, ये सब तो आता ही है। Where are my trousers, ये सब तो होता ही है, ये सब तो सबको आपको पता है। अब बताओ, ये इंपॉर्टेंट हम लोग करेंगे, इसके बाद करके एंड करूँगी। कैटल और कैटल्स इज और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये जो कैटल है ना, ये मवेशी होते हैं, मवेशियों का झुंड होता है, काऊ, गोट, बफलो, शीप, पूरा झुंड में है। और कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाकर प्लूरल मत करना, क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल है। और इसके साथ क्या लगाओगे, इज मत लगाना, आर लगा, आर, ओके। द पोल्ट्री, पोल्ट्री अपने आप में प्लूरल है, तो अपने आप में प्लूरल है तो एस लगाकर प्लूरल क्यों बनाओगे? और आपको लगेगा अरे पोल्ट्री ये सिंगुलर है, इज लगा देते, बट पोल्ट्री प्लूरल है, आर, आर। नेक्स्ट वाला, हिज होल लाइफ वॉज इन शैम्बल, उसका पूरा लाइफ ना कंफ्यूजन में था। आंसर बताइए, कहाँ पे एरर है, एरर कहाँ पे है? पोल्ट्री आर होता है। देयर इज नो सच वर्ड लाइक शैम्बल, शैम्बल का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है, शैम्बल जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये वर्ड बना ही है एस के साथ, ये वर्ड बना है एस के साथ, तो हिज होल लाइफ वॉज इन शैम्बल्स, ये गलत है, शैम्बल्स होगा। और ये जो इज लगा है, ये जो वॉज लगा है, ये तो लाइफ के लिए लगा, लाइफ के लिए लगा है। हाँ, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग है, चिल्ड्रन को बोलते हैं। ब्रदरिन का मतलब है भाई बंधु, आपके ब्रदर्स भाई बंधु को बोलते हैं, ठीक है। और पर्सनल्स का मतलब है अधिकारी, सारे प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में है। शैम्बल में एरर है, हाँ शैम्बल, इसका ना एस मत लगाना, ओके। ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर हम इसका प्लूरल भी बनाए ना, ठीक है, तो प्लूरल भी बनाए तो खुद प्लूरल है, प्लूरल भी बनाए तो इसमें एस मत लगाना, एस नहीं लगाना है, ठीक है, एस नहीं लगा, नहीं इसमें तो एस लगेगा, शैम्बल। अब देखो ये एग्जाम का सेंटेंस, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग डज अ लायन हैव, चलो बताओ। मैम प्लीज़ आपके इस बैच की फीस कितनी है, और ये भी आप इस बैच का पूरा पढ़ाइएगा क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना है। फीस के बारे में कुछ भी पूछना है ना, इस नंबर पे कॉल कर लेना, 99 583 58324। अभी अनअकैडमी पे ऑफ़र चल रहा है 20%, इसको फटाफट ले लीजिए, परसों तक का ऑफ़र है, 26 अगस्त तक का है, बहुत बड़ा 30% डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैनी, अरे मैनी के बाद तो प्लूरल आता है, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी क्लासेस, हाउ मैनी गर्ल्स, मैनी के बाद तो प्लूरल आता है। तो आप सोचोगे ना कि चलो एस लगा देते हैं, नहीं, क्योंकि ऑफस्प्रिंग अपने आप में प्लूरल, एस मत लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। हाउ टू परचेज द कूपन, नंबर लिख दिया है 99 583 583, वहाँ पूछना है। द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लॉ, अच्छा लॉयल्टी लिख दिया है, भाई बंधु, इस लोकेलिटी के जो भाई बंधु है ना, सारे लोग हैं, सब में आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन, सब में ना, ये एग्जाम का ही सेंटेंस है। द ब्रेदरेंस, इस जगह के जो लोग हैं ना, हमेशा मतलब उन लोगों में डैगर्स ड्रॉन, उन लोगों में दुश्मनी है, बिना किसी कारण के इन लोगों में दुश्मनी है। हाँ, तो बताओ कुछ बच्चे हो सकता है इसको नो एरर करके आए, उन्हें लगेगा ना ब्रेदरेन, ब्रेदरेन तो प्लूरल है, यहाँ पे आर भी लगा है, चलो नो एरर कर देते हैं। लेकिन ये जो ब्रेदरेन है ना, ये अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, एस लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई बंधु। और लगेगा कि अरे ब्रेदरिन में से एस हटा दिया मैम ने, चलो यहाँ एस लगा देते, नहीं, ये बगैर एस का ही, इसमें एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एस वाला होता ही नहीं है, ये अपने बगैर एस का ही प्लूरल है, और वर्ब भी प्लूरल लेगा, सब्जेक्ट में गड़बड़ी है, सब्जेक्ट। द ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल या पर्सनल, हाँ पर्सनल्स का मतलब होता है अधिकारी, बताओ। पर्सनल का मतलब है अधिकारी, आपको लगेगा सम के बाद तो प्लूरल आता है, तो प्लूरल लगा देते हैं, बट ये जो एक तो ये पर्सनल होता है, ये पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, ये एडजेक्टिव है, ओके, ये पर्सनल का मतलब पर्सनल प्रॉब्लम, व्यक्तिगत प्रॉब्लम, ये, बट ये पर्सनल अपने आप में प्लूरल है, इसमें ना एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने डील किया कि कुछ ऐसे वर्ड्स है, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर भी होता है, जो प्लूरल भी होता है। अब मैं एंड करूँगी, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे ना, कि नेक्स्ट क्लास करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है, पुलिस वगैरह वाला भी करेंगे, डिपार्टमेंट है तो सिंगुलर, ये सब का हम लोग अलग से कर लेंगे। चलो अब इसको एंड करती हूँ, ठीक है। वेजेस कुछ सिंगुलर प्लूरल, हाँ, और अभी मेरे अनअकैडमी पे 2 बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, एक 8 अगस्त से ग्रामर का बैच शुरू हो चुका है, ये सब पेड बैचेस है, ठीक है, 8 अगस्त से ग्रामर का बैच शुरू हो चुका है, ठीक है। और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये ग्रामर का बैच है और सबसे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स बच्चों का इस बैच में, ठीक है, एकदम खतरनाक बैच है। हर दिन इसमें बच्चे बढ़ रहे। उस दिन मैंने बताया था ना कि इस बैच में ना दो घंटे में करीब 1.5 लाख व्यूज़ आ चुके थे। बच्चों ने इस बैच में बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, बच्चों की आत्मा जाग चुकी है कि जितना भी ग्रामर का पढ़ लो, ठीक है। ठीक है, आपके कहने पे मैंने A to Z बैच ले आया ग्रामर का और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी और इसको बहुत अच्छे से एंड भी करूंगी, लेकिन इसके बिना ना आपका लाइफ अधूरा है। स्कोर आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा अगर हम ये सब की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वैसे मैं इस बैच में भी करवाऊंगी, बट जिसको रिचुअल से करना है वो 3:30 बजे के बैच में, कल भीड़ और थी, कल पहला दिन से भी ज़्यादा बच्चे आए, ठीक है। और इस बैच में आप विश्वास नहीं करोगे, कई बच्चों को ना ये भी नहीं पता था कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, पहले शुरू में बच्चे बोल रहे थे मैम ये तो टफ है, ये है, वो है, लेकिन पहला ही दिन जैसे क्लास ख़त्म करने लगी ना, तो कुछ कुछ बच्चे जिसको दिक्कत हो रही थी बोल रहे थे मैम अब समझ में आ रहा है, तो वो तो उसका पहला दिन था। आप इसको रिचुअल से लगातार करोगे ना, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। इट्स अ वेरी गुड बैच, इम्प्रूवमेंट होगा। कल परसों से भी ज़्यादा थे, परसों से 1-2 हज़ार ज़्यादा थे कल, ठीक है। ये बैच अभी ये बैच मंडे से स्टार्ट हुआ। इस बैच में अभी मैंने 2 ही क्लास लिया है, आज तीसरा क्लास है। ये 3:30 से चलता है। बच्चे दोपहर में सो जाते हैं ना, सोने नहीं देना है इनको, जगा के क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और इस बैच में बच्चों के डिमांड पे ना, वैसे तो ये वोकैब का प्रैक्टिस था, लेकिन बच्चों के डिमांड पे मैंने इसमें एरर भी डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे स्टूडेंट्स एरर भी पढ़ना चाहते हैं तो ये तो टीचर पे लास्ट के 15 मिनट्स में एरर भी कर लेंगे, ओके। और ये सब है। और 2 बैच तो अभी मेरा चल रहा है और दोनों बैचेस में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, आपको कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 999583। ये सौरभ जी का नंबर है, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देंगे और क्या क्या पॉइंट्स कैसे यूज़ करके ना कम से कम फ़ी में कैसे एडमिशन ले सकते हो। अगर आप मेरी स्पेशल क्लास देखते हो तो आपको अनअकैडमी पे एडमिशन लेने के लिए ये कोड यूज़ करना, RIDE10, तो आपको 30% डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट चल रहा है, हमेशा नहीं ठीक है, हमेशा तो 10% मिलता है, लेकिन RIDE10 यूज़ करने पर 26 अगस्त तक 30% मिलेगा, ठीक है। और भी है इनका, हाँ यही वाला जो ऑफ़र चल रहा है, Unacademy लाइट है, इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है Unacademy लाइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि Unacademy का एक सेमिनार होने वाला है बिहार में, तो बच्चों का कमेंट्स भी था कि मैम आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप बिहार से हो और स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि मैम आपको आना चाहिए, क्लास में भी बोल रहे थे, ठीक है। फिर कभी जब सेमिनार होगा मैं आ जाऊँगी, मेरी कुछ मेरे को काम है इसीलिए मैं नहीं आ पाऊँगी, ठीक है। तो फिर कभी सेमिनार होगा, बिहार में सेमिनार है Unacademy का 28। कुछ तो आप गद्दार हो मैम ये वो, अरे मैं गद्दार नहीं हूँ, ठीक है, मैं गद्दार नहीं हूँ। 28 को है सेमिनार, ओके। तो ये सब आपके बैचेस है और आपको अगर नोट्स चाहिए ना तो आपको Unacademy का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप इस नंबर पे कॉल करना ना, वो आपको आइकॉनिक के बारे में सब बता देंगे, 999583 583, ठीक है। ये आपको सब बता देंगे। और एक चीज़ मुझे और बताना था जो कि मैं हर दिन भूल जाती हूँ। यहाँ से तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, मेरा एक और चैनल है, ठीक है, मेरा एक और चैनल है UC Live, ओके। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, आप जाओ, अच्छा इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन पे ना UC Live चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जुड़ जाओ, UC Live पे जुड़ो। वहाँ पे आपको मैथ्स के भी टीचर मिलेंगे, अगर इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे हो, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश के टीचर मिलेंगे, मैथ्स के भी मिलेंगे, GS के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे। तो आज ही जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रिकॉर्डेड वीडियोस जाते हैं, बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि जब भी वहाँ पे कोई मैथ्स रीजनिंग का वीडियो जाए ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो जो बच्चे इंग्लिश जो फ्री बैचेस ले रहे हैं, इंग्लिश तो यहाँ से पढ़ ही रहे हो, यहाँ भी आपको इंग्लिश मिलेगा और मैथ्स भी है, तो ये सब देख लेना UC Live, ठीक है। हाँ, और ये आइकॉनिक का नोट्स है, नोट्स मिल जाएगा, घर तक पहुंच जाएगा। और ये SSC प्रिपरेशन राइट वे है, मिशन SSC, ये Unacademy के टॉप एडुकेटर्स है सब। यहाँ पे एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक फीमेल भी दिख रहे हैं। सिलेक्शन बैच है, लक्ष्य बैच है, लक्ष्य स्टेनोग्राफर, एम, ये सब इतने सारे बैचेस है, करना तो आपको एक ही बैच है, सेक्शनल है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो चलो एंड किया जाए, एंड किया जाए। चलो थैंक यू एवरीवन। कल हम, अब मैं बीच में वो कैब भी इंट्रोड्यूस कर दूँगी, ओके। चलो थैंक यू एवरीवन। देखो एक आपको पिन दे दिया गया है, सॉरी, आप देखना विकासदीप के नाम से आपके पास एक लिंक जा रहा है, कमेंट बॉक्स में देख रहे हो? वैसे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स में देखो विकासदीप लिख के एक लिंक आ रहा है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यू विल एंजॉय। वहाँ हमारे पास जीएस के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, रीजनिंग के अच्छे टीचर है, इंग्लिश के अच्छे टीचर है, मैथ्स के अच्छे टीचर है। दिस इज़ फ्री फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। मैंने सोचा जब इंग्लिश वगैरह एक चैनल पे मिल ही रहा है, बच्चों को मैथ्स रीजनिंग भी जाना चाहिए, तो आप वहाँ पे जाइए, ओके। आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से हो ये जान के क्या करोगे, एग्ज़ाम में थोड़ी आने वाला है, ओके, एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। हाँ, आप प्रमोशन भी बहुत अच्छे से करते हो, मैं सब चीज़ अच्छे से करती हूँ, पढ़ा भी आपको बहुत एनर्जी के साथ देती हूँ, प्रमोशन भी बहुत अच्छे से कर देती हूँ, ओके। ज़रूरी है ना, क्योंकि ब्रांड्स को, जितने भी अच्छे ब्रांड्स होते हैं उसको प्रमोट करते हैं, जितना भी कोई टॉप पे चला गया है, प्रमोशन बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को अवेयर करवाना है कि क्या क्या आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, कल मिलेंगे। जैसे क्लास क्विट करने के पहले एक बार जाके यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, सब्सक्राइब कर लिया है ना स्वर्णा, वेरी गुड। जाके यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से जीएस वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए फटाफट।